खबर दे आपको, ब्लैकमेल करके शादी करने वाले को एफआईए ने धर लिया। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने कराची के रिहायशी आतिफ अली को बारातियों समेत गिरफ्तार कर लिया। आतिफ अली ने जरीन को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करके शादी के लिए राजी किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद। जी राहिल, इस मामले के हवाले से आगाह कीजिएगा। आतिफ अली वो एक खातून जो लाहौर के रिहायशी जरिए उन्होंने उनके दोस्त भी फेसबुक पे और उसके बाद आपस में जो है ताल्लुकात बढ़ते रहे, तो कुछ ऐसी तस्वीर उनके पास थी आतिफ के पास जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल करा था। उसने जबरदस्ती जो है उनसे शादी करने के लिए उसे राजी किया और अपनी बरात लेके जो है लाहौर से पहुंचा। इस हवाले से जो जरीन के घर वाले उन्होंने एफआईए साइबर क्राइम सर्कल को इतला दी, तो उनकी जो टीम है एफआईए की वो लाहौर स्टेशन पहुंची। उन्होंने बरातियों समेत जो मुजिम है आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। तहम बाद हजार जो बराती थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन आतिफ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकत के सिलसिले को आगे बढ़ा दिया गया। इस हवाले से जो सर्कल इंचार्ज है मोहम्मद उस्मान, उनका कहना यह है कि मुजिम काफी अच्छे से जो है खातून जरीन को ब्लैकमेल कर रहा था और उसको इसी हवाले से उसको जाचा दिया गया था कि तुम शादी के लिए लाहौर आ जाओ। वो शादी करने के लिए तैयार है, जब वो लाहौर पहुंचा तो उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो है तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।